सो हेलो फ्रेंड्स, और आज की वीडियो में हमारी जूली का होने वाला है सेकंड वैक्सीनेशन। और हमारा फर्स्ट वैक्सीनेशन हुआ था, आप क्या अगर वो वीडियो नहीं देखी तो जा देखिए। और ये उसकी उसके इंजेक्शंस रेडी कर रहे हैं मेरे मामू, तो ये देखिए। तो आज होने वाला है जूली का सेकेंड वैक्सीनेशन, और ये हो चुके हैं 2 मंथ्स की। तो मैं आपको दिखाऊंगा आज ये कितनी बड़ी हो चुकी है, और ये इसका सेकेंड इंजेक्शन, ये देखिए। तो यहाँ पे इसके इंजेक्शन्स रेडी हैं, और ये आ चुकी है हमारी जूली। ये देखो ये कितनी बड़ी हो चुकी है, ये कितनी छोटी थी अब। तो अभी इसको पहले एक इंजेक्शन लगेगा इसका, फर्स्ट वाला। तो ये थोड़ा ऐसे इतना ज़्यादा भी नहीं रोई थी, ये थोड़ा कम ही रोई है इस बार। तो ये इसका लग चुका है फर्स्ट इंजेक्शन। तो ये देखिए, और हमने इसको थोड़ा सा एक बार फ्री कर दिया था क्योंकि ये फिर ऐसे थोड़ी सी रोई थी। तो अब इसके सेकंड इंजेक्शन का टाइम आ चुका है। तो ये रहा इसका सेकंड इंजेक्शन, समझ गई ये। तो इसका एक बार फिर से इसको पकड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका सेकंड इंजेक्शन भी लगने वाला है। तो अभी हम इसका सेकेंड इंजेक्शन लगेंगे। तो अब इसका सेकेंड इंजेक्शन भी लगा है। और ये हमारी जूली का सेकेंड वैक्सीनेशन कंप्लीट। तो ये देखिए, इसको फिर हमने इसकी थोड़ी ट्रीट्स खिला दी थी, क्योंकि फिर ये रोई भी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि उस इंजेक्शन के बाद। और हाँ, और जब पपी का इंजेक्शन, जब उसका वैक्सीनेशन होता है ना, जब उसके इंजेक्शन लगते हैं, तब वो पपी 1-2 दिन के लिए शायद थोड़ा सा सुस्त रह सकता है, क्योंकि वैक्सीनेशन हुआ होता है और इसलिए वो थोड़ा सुस्त रह सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो बताना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।